ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयं चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साक्षात्तं सगुणं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगर्षिललिता विशाखानितांक्ष हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च अधिकनाम भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमने अभी तक पिछले अध्याय में जो चर्चा की थी अध्याय 14, और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 15 की। अध्याय 15 जिसका शीर्षक क्या है, पुरुषोत्तम योग। इसमें पुरुषोत्तम योग में जैसे कि हमने पिछले अध्याय में कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मांड के आधार पर और परम आश्रय है, मतलब भगवान के ऊपर ये सारी चीज़ें आश्रित हैं, ये ब्रह्मांड और ये जो भी हमारा संसार है वो किस पे आश्रित है, परम पे आश्रित है। कृष्ण ने ये भी कहा कि भक्ति करने से भौतिक गुणों को पार किया जा सकता है। तो हमने पिछली बार 3 गुणों की चर्चा की थी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की, उनको कैसे पार किया जा सकता है, उनको भक्ति से, और भौतिक गुणों को पार किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। और आगे अब जब भगवान, लेकिन कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति आसक्ति प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत से विरक्ति होना आवश्यक है। कि भौतिक जगत से अगर पार होना है तो हमें डिटैचमेंट रखना पड़ेगा, कैसे, भौतिक जगत से। अब कई लोग कहते हैं हमारी आसक्ति रहती है, जो चीज़ हमने अर्जित की है उसे डिटैचमेंट कैसे लाया जाए, बट हमें किसी भी कार्य को करने में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, और उन कार्यों को करने के बाद जो उनके प्रतिफल आते हैं हमारे पास उनसे भी हमें कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो दोनों तरीके से हमें डिटैच रहना चाहिए, ना कि कर्मों पर अधिकार होना चाहिए और ना उनके फलों। इस अध्याय में कृष्ण ने भौतिक जगत से आसक्ति तोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। अब इस अध्याय में भगवान क्या सिखाएंगे कि भौतिक जगत से बंधन को कैसे तोड़ा जाए, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी इनसे आसक्ति कैसे बना के रखी जाए। वे संसार के की तुलना एक बरगद के वृक्ष से और विरक्ति की तुलना उसको काटने वाली कुल्हाड़ी से करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संसार की तुलना एक बरगद के वृक्ष से कर रहे हैं। जैसे हमारे आप देखते हैं कि भौतिक जगत में जो वृक्ष होते हैं जैसे दिखते हैं, आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल वृक्ष इसका उल्टा होता है। जैसे पानी में प्रतिबिंब दिखता है, वैसे आध्यात्मिक जगत का जो वृक्ष है वो बिल्कुल यहाँ पर उल्टा दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर वृक्ष काटने की प्रक्रिया का वर्णन भगवान ने किया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि विरक्ति से, विरक्ति क्या है, कुल्हाड़ी जिससे हम इस वृक्ष को काटते हैं। इसके बाद वे पुरुषोत्तम योग का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो है पुरुषोत्तम योग के बारे में बताएंगे। भक्ति योग का महत्व जानने के बाद कोई पूछ सकता है कि वेदों का क्या, आप समझें कि इस वेदों का महत्व क्या है, इस संसार में, इस भौतिक जगत में वेदों का महत्व क्या है। इस अध्याय में समझाया गया है कि वेदाध्ययन का उपदेश कृष्ण को समझना है। तो भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं, वेदों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान से अहंकार प्राप्त करते हैं, और अहंकार के बाद एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं वेदों को लेकर। जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे वेदों के बारे में लोग पूछते हैं कि कौन से वेद ठीक है और कौन से नहीं है, इसकी पुष्टि कैसे होगी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि परंपरा द्वारा इन वेदों को सही रूप से समझा जा सकता है, गुरु के माध्यम से और परंपरा के द्वारा ही हम वेदों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान वेदों को कैसे समझा जाए, भगवान इसके बारे में चर्चा करेंगे।
भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर कैसे बढ़ा जाए, विरक्ति और समर्पण के द्वार कैसे खुलते हैं, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक पहुंचने का क्या मार्ग है। तो यहाँ पर पहले श्लोक में भौतिक जगत से एक उल्टा वृक्ष के बारे में, एक भौतिक जगत के उल्टे वृक्ष के बारे में वर्णन कहा जाता है। कहा जाते ही एक शाश्वत अश्वस्थ का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं तथा शाखाएं नीचे की ओर। एक ऐसा वृक्ष है आध्यात्मिक जगत का जिसका जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं और पत्तियां नीचे। भौतिक जगत में क्या होता है, उल्टा होता है, नीचे जड़ें होती हैं, बीच में तना होता है, ऊपर टहनियां होती हैं और उसके पीछे ऊपर पत्तियां होती हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। और जिसकी पत्तियां वेद हैं, तो नीचे से शुरू हुआ, ऊपर जड़ है, नीचे की पत्तियां वेद बताई गई हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है, जो इस वृक्ष के बारे में जान लेता है वो वेदों के बारे में सब कुछ जान जाता है। यहाँ पर जो वृक्ष है इसको प्रतिबिंब बताया गया है। एक वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे की ओर तथा जड़ें ऊपर की ओर हैं, वास्तविक वृक्ष का जल में प्रतिबिंब है। भौतिक जगत रूप यह वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। तो ये जो वास्तविक वृक्ष हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब कह लो, उल्टा बिल्कुल प्रतिबिंब मात्र है। वेदों को किस प्रकार से जाना जाए, वेदों को जानना, जो वेदों के अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट रहता है, किसके प्रति, वेदों के अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट रहता है वह सिर्फ अध्वस्त वृक्ष की सुंदरता पत्तियों से आकृष्ट है, कि वो सिर्फ उसकी सुंदरता से ही आकृष्ट है, उसको जानता नहीं है, सिर्फ उसकी सुंदरता से ही आकृष्ट है और वेदों के उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों को जानने का अर्थ है भौतिक जगत के वृक्ष के प्रति आसक्ति को काटना, कि वो भौतिक जगत का वृक्ष है, जो पत्तियां हैं सुंदर सुंदर, ये वेदों को बताया गया है, टहनी इच्छाएं को बताई गई हैं, इनके प्रति जो उलझ जाता है और एक टहनी से दूसरे टहनी पर ट्रांसफर होता रहता है, वो क्या करता है, वेदाध्ययन तो करता है मगर उन वेदों से ऊपर नहीं उठ पाता और इन्हीं की खूबसूरती देखता रहता है और इन्हीं में जूझा रहता है और वेदाध्ययन करता रहता है। मगर यहाँ पर क्या है, वृक्ष को जानने का अर्थ है क्या, अपनी कौन सी कुल्हाड़ी से, किस प्रकार की कुल्हाड़ी से, विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस संसार के बंधनों को काट देना। तो ये वृक्ष जितना बताया गया है ये बंधन बताए गए हैं और इस बंधनों को काटते हुए आपको क्या होना है, इस पेड़ को काट के ऊपर की तरफ जाना है। अब दूसरे श्लोक में बताया गया है, ऊपर और नीचे फैली हुई इसकी शाखाएं विभिन्न प्रजापतियों के साथ ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जितने ग्रह हैं और जितने प्रजापति हैं इनका प्रतिनिधित्व करती हैं। शाखाओं के निचले भागों पर विभिन्न जीव योनियां जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि हैं, ग्रह हैं। ऊपरी भाग पर जीवों की उच्च योनियां हैं जैसे देव हैं, गंधर्व हैं और इत्यादि। ब्रह्मलोक जड़ की स्थित है, ब्रह्मलोक भी जड़ स्थित है। तो यहाँ पर जो है ऊपर का जो हिस्सा है, जड़ों के पास का जो हिस्सा है, वहाँ पर देवलोक है, गंधर्व हैं, ऊंचे लोग हैं। यह तीन गुणों द्वारा पोषित है। तो यहाँ पर तीन गुण आ जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। देवता सतोगुण में रहते हैं, बद्ध जीव जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। तो ये गुणों का मिश्रण है जिसके द्वारा ये सब बंधे हुए हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं, शाखाओं के सिरे इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त इंद्रियां हैं। तो ये जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं, क्या हैं, टहनियां जो हैं इच्छाएं हैं और इच्छाओं के विषय ये सारे आपको आसक्त करती हैं। हर जगह फैली हुई इसकी सहायक जड़ें मानव समाज को सकाम कर्मों से बांध देती हैं। क्या ये टहनियाँ पत्तियाँ जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपको सकाम कर्मों से बांध देती है। सकाम कर्म कैसे, हम कई बार अच्छे कर्म करते हैं, कई बार बुरे कर्म करते हैं, हमें उसका अनुमान नहीं होता, तो हम कई प्रकार के कार्यों को करते हैं और उसमें बंध जाते हैं, सतोगुण में भी आके हम बंध जाते हैं। हरे कृष्ण, इसको थोड़ा स्लो कर दिए तो हम बंध जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पीकर की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो। सहायक जड़े राग और द्वेष जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के
इंद्रिय भोग के उपयुक्त हैं और धर्म और अर्थ की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से विकसित होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बंधन से क्या उत्पन्न होता है, राग और द्वेष उत्पन्न होता है। इस विषय फैले धर्म अधर्म काम और मोक्ष हैं। क्या धर्म है, अधर्म है, काम और मोक्ष हैं। तो ये पूरे वृक्ष में सर्वत्र फैले हुए हैं, मतलब इस जगत में पूरी तरह फैले हुए हैं। सतत होने के अर्थ में यह वृक्ष शाश्वत और क्योंकि गीता में दिए गए विभेदात्मक ज्ञान के बिना यह नष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता को बताया गया है कि इसके ज्ञान द्वारा आप विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और विरक्ति द्वारा आप इस पेड़ को काट सकते हो, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जो भगवद गीता को बताया गया है वही एकमात्र उपाय है जो इस भगबंधन से आपको निकाल सकता है। ये जो तीन गुणों का चक्र है और जो हमारा बंधन है, इसे निकालने का एकमात्र विषय है हमें भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो भी कैसे, अपने गुरु द्वारा, अन्यथा उसके द्वारा परंपरा द्वारा मिल सकता है, अन्यथा उसके द्वारा कोई और उपाय है ही नहीं। ठीक है, श्लोक संख्या 3 और 4 में व्याख्यान आता है, वृक्ष को विरक्ति की कुल्हाड़ी से काटें कैसे। ठीक है, इस वृक्ष का असली रूप, इसकी शुरुआत, अंत तथा आधार का इस दुनिया में अनुभव भी नहीं किया जा सकता। कि इस पेड़ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसको आप अनुभव भी नहीं कर सकते। ये काली काली केवल शास्त्रों द्वारा हम इसके प्रयास पे कार्य कर सकते हैं, मगर हम इन्हें देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, इसकी चर्चा आगे करते हैं। लेकिन दृढ़ निश्चय द्वारा तीव्र की गति विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस मजबूत जड़ वाले पेड़ को काटना चाहिए। तत्पश्चात स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर आदि पुरुष भगवान, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उनकी शरण ले लेनी चाहिए और उनके पास लौट जाना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि हमें तत्पश्चात क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए और विलक्ति की कुलाड़ी से इसे काटना चाहिए। अब आगे श्लोक संख्या 5 में चर्चा होती है, शरणागति की प्रक्रिया क्या है। अब यहाँ पर अगर भगवान की शरणागति हम नहीं लेते हैं तो हमें ना तो विरक्ति मिलेगी और ना ही हम भव संसार में ये तीन गुणों को काट पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, एकमात्र साधन है विरक्ति भी अगर आपको उत्पन्न करनी है तो आपको किसकी शरणागति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर थर्ड स्टेज आ जाती है कि हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, अन्यथा जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं होंगे और भगवान को प्रसन्न करने का कार्य नहीं शुरू कर देंगे, तब तक भौतिक जगत से हमारी आसक्ति नहीं बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की, किसी वस्तु को भी प्रयोग में लाते हैं या किसी कार्य को भी करते हैं तो हमारा उसमें सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। जब तक उसमें सेल्फ इंटरेस्ट बना रहेगा, भोग करने की प्रवृत्ति और इच्छा बनी रहेगी, विरक्ति कहाँ से उत्पन्न हो जाएगी। विरक्ति कैसे आएगी, विरक्ति तब आएगी जब आप भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं, अन्यथा ये कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब कार्य ही भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो इसको फलों भी भोगता कौन है, इस फलों का भोगता भी भगवान स्वयं है। तो यहाँ पर विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तब हमारा चीज़ों से डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। कार्य करने की प्रक्रिया या कार्य करने के बाद का फल दोनों हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारी सेल्फ इंटरेस्ट, जो हमारी भोगने की प्रवृत्ति है, वो वहीं समाप्त हो जाती है। तो ये प्रक्रिया ऐसी तब होती है जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं। श्लोक संख्या 5 में चर्चा होती है, जो झूठी प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, जिन्होंने कुसंगति पर विजय प्राप्त की है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, ठीक है, जिन्होंने भक्ति काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष को शरणागत होता है, जानते हैं उन अनंत आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है वही आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह झूठी प्रतिष्ठा को यहाँ पर बताया है, त्यागना पड़ेगा आपको, मोह को त्यागना पड़ेगा, और सबसे बड़ा दुश्मन ही है ये हमारा, शत्रु क्या है, झूठी प्रतिष्ठा,
हमारा नाम सम्मान, हमारी चीज़ों के प्रति आसक्ति, कुसंगति, अच्छा संग नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों का संग करना चाहिए। कुसंग करने से हम बंधनों में बन जाते हैं, हमारी कुसंगति के द्वारा हमारा सब कुछ विनष्ट हो जाता है। जो इन शाश्वत तत्वों को समझता है, और आगे क्या बताया है, जो भौतिक काम को नष्ट कर दिया है इसने, भौतिक काम को मतलब प्राप्त करने की इच्छाओं को नष्ट कर दिया है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो भी प्राप्त कर लूँ, संसार की सारी चीज़ें मैं अपने बस में कर लूँ, इस बुद्धि को त्याग दिया है और सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। ज़्यादा फैसिलिटीज मिलने पे सुखी भी नहीं होता, ज़्यादा दुख मिलने पे दुखी भी नहीं होता, एक भाव में रहता है। जो आया है भगवान की कृपा से आया है, और जो नहीं आया वो भगवान की कृपा से ही नहीं आया। यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि एक औरत थी, वो जंगल में जाना उसको पसंद था, वो वाइल्ड लाइफ से बड़ी जुड़ी हुई थी। उसको एक अगर इसका पाइथन का बच्चा मिला, क्या कहते हैं उसे, अजगर का बच्चा मिला। अजगर के बच्चे को अपने घर ले आई और अजगर के बच्चे को खिलाती पिलाती रही, दूध पिलाया, धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। वो उसके साथ बिस्तर पे उसी के साथ सोता था, उसी के साथ सोता था, उसी के साथ जागता था, उसको बड़ा प्यार करती थी। जब वो सोती थी तो उसके ऊपर रेंगता रहता था, ऐसे पालन पोषण चलता रहा। वो बड़ा हो गया अजगर, थोड़ा और बड़ा होने लगा। एक समय आया जब अजगर 10-15-20 फुट का अजगर हो गया, तो उसने एक दिन जो है खाना बंद कर दिया। जब उसने खाना बंद कर दिया तो वो औरत बड़ी परेशान हुई कि मेरा अजगर तो कुछ खा नहीं रहा, लगता है इसको कोई बीमारी हो गई है, कोई तकलीफ हो गई है, इसको कुछ हो गया है। वो जिस डॉक्टर के पास अपने अजगर को ले जाती थी उसके पास ले गई और डॉक्टर को बोला, देखो मेरा अजगर तो कुछ खाता नहीं है। तो बोले, ये तो पहले ठीक था, रुको मैं चेकअप करता हूँ। जब उसने अजगर का चेकअप किया तो अजगर बिल्कुल ठीक था। तो उसने उस औरत को बैठाया शांति से और उसको कुछ समझाने लगा। डॉक्टर ने कहा, ये अजगर जब छोटा था तो आप इसको थोड़ा खिलाते थे, थोड़ा बड़ा हुआ थोड़ा ज़्यादा खिलाना शुरू किया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो जो इसका आहार था वो आप देना शुरू कर दिया, अब ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया। जब अजगर 10 फुट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी क्षमता एक बड़े घोड़े को भी निगलने की होती है। वो एक घोड़े को अपने पेट में ले जाता है और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसको गला के उसको खा जाता है। मगर उससे पहले उस जानवर के आसपास रेंगता रहता है, उसके शरीर का मुआयना करता रहता है, मुआवजा ले वो लेता रहता है कि भाई कितना बड़ा है। तो वो ये जो अजगर है, जब आप सोते हो तो आपके इर्द गिर्द रेंगता रहता है, आपके ऊपर चढ़ता है, लपटता है, फिर आपको छोड़ देता है, और 7 दिन से इसलिए भूखा है क्योंकि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। तो वो औरत बिल्कुल हैरान रह गई, ये अजगर कौन है? ये अजगर वो सुगराएँ हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये अजगर कोई नहीं, ये अजगर आपके आलीशान बंगले हैं, ये अजगर कोई नहीं, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये अजगर कोई नहीं जो आप महंगी महंगी शराब पीते हैं, ये वो अजगर है। जो कुसंग करते हैं, पर स्त्री संग करते हैं, ये अजगर है। ये अजगर आपके आसपास घूमते रहते हैं जो आपको सुविधा प्रदान करते हैं, मगर एक दिन यही अजगर आपको खा जाता है। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं, हमारे आसपास है, हमारा अपना है, मगर क्या होता है, वो हमारा अपना ही जो हमारा खुद का होता है वही हमें नष्ट कर देता है। हमारी चीज़ें जो सबसे महंगी होती हैं, सबसे ज़्यादा सुख देने वाली होती हैं, वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा दुख देने वाली होती, क्यों? एक दिन उससे डिटैचमेंट होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार से जीवन में जब कोई व्यक्ति आता है और जुड़ता है उससे प्रेम हो जाता है, जब वो जाता है तो दुख होता है, क्यों? क्योंकि सुख देने वाला भी सबसे अच्छा व्यक्ति वही था। जिसका पिता जाता है वो सोचता है मेरा पिता चला गया क्योंकि पिता ने सुख दिया है। अच्छा, पति चला गया तो दुख हुआ, क्यों? पति ने सुख दिया है। तो कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में रहता है हमें जीवन में सुख देता है, क्योंकि जब वो सुख दे रहा है तो समझो दुख भी सबसे ज़्यादा वहीं देखे जाएगा। तो ये जीवन की प्रक्रिया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, आसपास की सोफिस्टिकेटेड चीज़ों से थोड़ा अपने आप को बचाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि संसार से जिस व्यक्ति की विरक्ति होती है भगवान की प्राप्ति उसी को हो सकती है। जैसे आपने स्टोरी सुनी है, एक राजा जिसने अपने मंत्री को कहा कि जाओ मंत्री पूरे राज्य में खबर फैला दूँ कि आज मैं तुमको सबसे महंगी और अनमोल वस्तु दूंगा जिससे तुम धनवान बन जाओगे, मगर ये लोग आए तो इनकी खातिरदारी में कुछ कमी मत रखना। तो राजा ने जो दोपहर का समय दिया था उस समय कोई भी नहीं आया, मंत्री को बुलाया राजा ने। तो राजा ने पूछा, मंत्री सब लोग कहाँ गए? तो बोले, महाराज ये सब तो अभी द्वार के बाहर हैं। तो बोले, बाहर क्यों हैं? बोले, इनकी सेवा के लिए मैंने दुकानें लगवाई थी,
खाने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, सोने जवाहरात की दुकानें, ये क्या कर रहे हैं वहाँ? तो ये जब ये वहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि ये कितने का, तो बोले तुम्हारे लिए मुफ्त है। तो वो मुफ्त के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं और बार बार कहते हैं तुम्हारे लिए मुफ्त है। वो उन सामान को भरने में लगे हैं, उन सारी चीज़ों को लेने में लगे हुए हैं, और ये भूल गए कि राजा उनको सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बनाने लगता है, बनाने वाला है। तो यहाँ पर हम इस संसार में जब आते हैं, इन संसार की सबसे अनमोल वस्तु क्या है, भगवान का प्रेम। बट ये सारी चीज़ें जब हमें दिखती है ना, तो हम इनको उठा उठा के अपने जेब में डालना शुरू करते हैं, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ और सारा कुछ ले लूँ। बट जिस समय हमारी मृत्यु आती है, ये सारी चीज़ें यहीं छूट जाती है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। आपके साथ तो जाती है खाली आपकी चेतना, जिसको हम यहाँ पर भूल जाते हैं। मगर सबसे अनमोल वस्तु क्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। अगर हम इन सारी वस्तुओं में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भूलना तो दूर, अपने आसपास के रिलेशंस को भूल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ को भूल जाता है, वाइफ हस्बैंड को भूल जाती है, घर में व्हाट्सएप मैसेज से आसपास के एक कमरे से दूसरे कमरे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप ये सोचिए हमारे डिस्कशन कैसे होते हैं, व्हाट्सएप से पूछते हैं क्या आप खाना खाओगे, बोले कि हाँ पराठे बना दो हैं। तो इस तरीके से हमारे वार्तालाप होती है। तो हम इतना खो गए हैं आसपास की चीज़ों में, अपनी लाइफ को इतना मैकेनिकल बना लिया है कि कॉन्शियस हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैकेनिकल लाइफ चल रही है, सारी की चीज़ें मैकेनिज्म पे डिपेंड कर रही हैं। तो हम यहाँ पर थे, हरे कृष्ण, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, विल इट बी पॉसिबल समबडी एल्स विल बी ऑपरेट दिस, तो यहाँ पर चर्चा होती है अध्याय श्लोक संख्या 6 की। जब कृष्ण आध्यात्मिक जगत के स्वभाव का वर्णन करेंगे, जो उपर्युक्त शरणागति की प्रक्रिया का लक्षण है, यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर स्वभाव का वर्णन करेंगे, ठीक है, कि शरणागति करने का स्वभाव क्या है। आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन के गुण क्या है, आध्यात्मिक जगत के बारे में अब यहाँ बताया जा रहा है। आध्यात्मिक जगत क्या है, यह सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं है, ये चंद्रमा न ही आग या बिजली से। जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं वे इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। तो वहाँ पर ना तो प्रकाश है, वहाँ प्रकाश कैसे होता है, चंद्रमा और सूर्य की रोशनी से। और क्या होता है, वहाँ पे जो जाता है वो कभी इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता, वो मेरा परम धाम है। वहाँ इस भौतिक जगत जैसी नकली चीज़ें नहीं होती, वहाँ सब कुछ अपने आप में प्रकाशमान है और भगवान का अपना है। जब तक जीवात्मा उस परम धाम को नहीं पहुँच जाता, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के संबंधित रहता है जीव की मूल अवस्था है। तो क्या है, जब तक वहाँ नहीं जाएगा व्यक्ति, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर हमेशा असंतुष्ट रहता है। गधे के सामने धोबी गाजर लटकाता है और उसे कार्य कराता है, थोड़ा और चल तुझे गाजर खाने को मिलेगी। पहले व्यक्ति मैनेजर बन जाता है, मैनेजर के बाद सामने गाजर लटकती दिखाई देती है, फिर वो सीनियर मैनेजर बन जाता है, फिर सीनियर मैनेजर को दूसरी गाजर दिखाई जाती है, फिर वो GM बन जाता है, फिर GM के बाद दूसरी गाजर दिखाई जाती है, तो क्या बन जाता है, वो CFO CEO बन जाता है, फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं होती, गाजर फिर भी आपके सामने लटकती रहती है, और एक समय मृत्यु आ जाती है, मृत्यु के समय भी हम भोग की प्रवृत्ति रखते हैं और गाजर तब भी लटकी हुई दिखाई देती है, मगर हम आजीवन पूरे जीवन उसको गाजर को खा नहीं पाते, ठीक है। अब जीवन का देहांतरण कैसे होता है, ट्रांसफिमिग्रेशन, परिवर्तन कैसे आता है, इसका जीवन का भविष्य निर्धारित करने की मन की शक्ति से हो सकता है, ठीक है। जीव की पहचान क्या है, इस जगत में सभी जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ भौतिक प्रकृति में कठिन संघर्ष करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा कठिन संघर्ष करते हैं, परंतु वो कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते। कृष्ण वर्णन करते हैं कि किस प्रकार इंद्रियों का वहन करते हुए जीव इस जगत में संघर्ष करता है।
तो ये हमारी इंद्रियां हैं, किस प्रकार से वो बहाव में बह जाती हैं, जगहों में लग जाती हैं, आसक्ति में लग जाती हैं और कैसे संघर्ष करती हैं। यहाँ पर बताया जीव एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में जीव की अपनी अपनी धारणाओं को वहन करता है, जिस प्रकार वायु का गंध वहन करता है। तो जब भी जैसे वायु उड़ती है तो दुर्गंध होती है तो दुर्गंध को ले जाती है, सुगंध होती है तो सुगंध को ले जाती है, उस प्रकार हमारी इंद्रियां विषय ढूंढती हैं और विषय भोग में प्रवृत्त हो जाती हैं और वहीं से भाव उसका शुरू हो जाता है, अटैचमेंट हमारी शुरू हो जाती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव एक कान, आँख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर स्पुर्जित हैं और ऐसे वह इंद्रिय विषयों का भोग करता है। मतलब जो हमारी प्रवृत्ति होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, उसके द्वारा हमें दूसरा शरीर मिलता है। मिलता कैसे? हमारी जो इंद्रियां हैं जिस विषय में लगती हैं, जिसके प्रति ज़्यादा आकृष्ट होती हैं, वैसा ही शरीर हमें अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। चेतना पानी की तरह मूल रूप से शुद्ध है। तो हमारी चेतना कैसे है? बिल्कुल पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ है। लेकिन जिस तरह पानी के किसी रंग से मिलाने से वह बदल जाता है, भौतिक गुणों का संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। तो जैसे पानी में रंग डालते हैं तो पानी का रंग बदल जाता है, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जैसी चेतना होती है वैसे आपकी प्रवृत्ति बदल जाती है। वास्तविक चेतना कृष्ण चेतना है और ओरिजिनल चेतना क्या है हमारा, क्या होना चाहिए? वी शुड बी ए गॉड कॉन्शियस, वी शुड बी ए कृष्णा कॉन्शियस। मगर हमारी चेतना कैसी बदल जाती है? भौतिक जगत में नाना प्रकार की चीज़ों से आसक्ति बढ़ने की वजह से हमारी चेतना बदल जाती है। या 10वें श्लोक से 11वें श्लोक में चर्चा आती है, आत्मा का देहांतरण कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता, कि जो हमारे अंदर बदलाव आ रहा है इसको कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। शरीर का त्याग एवं शरीर के निवास तथा भौतिक गुणों के प्रभाव के आनंद भोग मूर्खों की समझ में नहीं आते। आगे क्या होता है? लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु हैं वे इसे देख सकता है। आत्म साक्षात्कार में स्थित प्रयत्नशील योगी यह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है। कौन? जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो प्रैक्टिस कर रहा है कृष्णा कॉन्शियस की, भगवान से जुड़ा है, वही सबको देख सकता है। लेकिन अशुद्ध चेतना वाले प्रयत्न करके भी इसे नहीं देख सकते। जो गॉड कॉन्शियस नहीं है वो इन सब चीज़ों का अनुमान कभी लगा ही नहीं सकता। वो भौतिक जगत में फंसा हुआ है, इन सब चीज़ों की उसको खबर भी नहीं है कि जीवन में चल क्या रहा है, कैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ये प्रक्रिया कहाँ से हो रही है, कौन सी कृपा मेरे पे बरस रही है, मेरे काम कैसे होते होते रुक जाते हैं और कैसे काम बनते बनते रुक जाते हैं और कैसे काम रुकते रुकते मेरे बन जाते हैं, कौन सी चीज़ मेरे लिए अनुकूल है, कौन सी चीज़ मेरे लिए प्रतिकूल है। मैं बार बार चर्चा करता हूँ, इस समाज में जो कुछ दिखता है वो सब प्रचार है, वो सब प्रचार है टू बिकम अ कृष्णा कॉन्शियस। श्री राम के आचरण से दिखाई देता है व्यक्ति को कैसा होना चाहिए और रावण के आचरण से दिखाई देता है व्यक्ति को कैसा नहीं होना चाहिए। एक है डायरेक्ट एजुकेशन, दूसरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन। तो संसार में जो कुछ भी दिखता है अच्छा या बुरा, एक भक्त के लिए वो प्रचार है, वो अपने जीवन को उसी से परिवर्तित कर सकता है। मगर हम बुरे को देख के बुरे से बुद्धि लेते हैं और बुरे बन जाते हैं, और अच्छे को देख के अच्छे से बुद्धि लेते हैं और अच्छे बन जाते हैं। मगर जो भक्त है दोनों सूरतों में क्या करता है? प्रचार का कार्य करता है, उससे सीख लेता है, चाहे अच्छा घट रहा हो चाहे बुरा घट रहा हो, उससे वही एक ही सीख लेता है कि मेरे लिए अनुकूल क्या है, मैं उसको अपनाऊंगा। तो ये पूरे संसार में जो कुछ दिख रहा है, अगर पेड़ दिख रहा है तो पेड़ आपको प्रचारित कर रहा है कि देखो मैं पेड़ हूँ, उसमें पानी डलता है, मैं बड़ा होता हूँ, बड़ा होने के बाद मैं फल देता हूँ, छाया देता हूँ और एक दिन विनष्ट हो जाता हूँ। इसी तरह तुम भी जीवो, इसी तरह मैं भी जीवो, और ये सारी प्रक्रिया भगवान द्वारा हो रही है। ये स्पीकर है, स्पीकर में साउंड है, साउंड कहाँ से आती है? ये कहाँ से आई साउंड? ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? ये भगवान से आई, आप समझ रहे हैं? ये घास कहाँ से उग रही है? ये लोग कहाँ से घूम रहे हैं? तो जो भी चीज़ आप संसार में देखते हो वो क्या है? वो हमारे लिए प्रचार है। भगवान बताना चाहते हैं इस भौतिक जगत में जो भी है वो तुम्हारे सिद्धांतों को
सिखाने के लिए है कि ये सारी चीज़ें मुझसे आती हैं और तुम्हें मुझे इन सब का श्रेष्ठ माने, मैं ही इसका ज्ञाता हूँ, मैं ही ये प्रदान करने वाला हूँ। तो इस संसार में जो कुछ भी दिखता है ईश्वर की सहायता के बिना इंद्रिय भोग की, इंद्रिय भोग संभव नहीं है। अब भगवान की कृपा बगैर आप किसी चीज़ को भोग भी नहीं सकते, नहीं भोग सकते ना। कृष्ण को दृश्य जगत का पालनकर्ता मानते हुए इस दुनिया में रहकर भी कृष्ण चेतना का विकास किया जा सकता है, इस भौतिक जगत में भी रहते हुए कृष्ण भावना भावित बना जा सकता है। आगे के श्लोकों में यह समझाया गया है कि इस भौतिक जगत में किस प्रकार कार्यकलाप हो रहे हैं और इस तरह ज्ञान से स्थित रहें। तो इस संसार में कैसे कार्यकलाप हो रहे हैं, मगर आपको क्या है, आपको ज्ञानी बने रहना है। ज्ञानी कैसे, आपको कृष्ण भावना भावित बने रहना है, कृष्ण चेतना में हमेशा रहना है। इस जगत में हमारे पालनकर्ता के रूप में कृष्ण की स्थिति को समझना बहुत अति आवश्यक है। किस प्रकार से भगवान की स्थिति को समझेंगे, ब्राह्मणीय स्तर पर कृष्ण हमारे पालन करता है, ब्रह्मांडीय स्तर पर इस ब्रह्मांड के कौन पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं मैं सूर्य चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश का स्रोत हूँ जो इस विश्व के अंधकार को मिटाता है, ठीक है। मैं प्रत्येक लोक के प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के सभी जीवों का को धारण करता हूँ। तो सारे जगत में मैं प्रविष्ट होता हूँ और सारी शक्तियों को मैं ही धारण करता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर सभी पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो इनको मैं चंद्रमा बन के ये सारे कार्यकलाप मैं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपेंशन कर रहा हूँ, अपनी शक्तियों को इन सब में भेज रहा हूँ ताकि इस संसार का संचालन इस प्रकार से चले। व्यक्तिगत स्तर पे कृष्ण हमारे पालन करता है, वो कैसे पर्सनलिज्म भगवान दिखा रहे हैं इसमें, कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पे वो हमारे पालन करता है। मैं पांच अग्नि हूँ, सभी जीवों के शरीर में मैं श्वास प्रश्वास की प्राणवायु में मिलता हूँ। किस प्रकार से भगवान वायु में भी, हमारी प्राणवायु है उसमें भी भगवान रहते हैं। चार प्रकार के खाद्यों को पचाने के लिए, जैसे बताया गया चार प्रकार के क्या हैं, चबाने वाला, निगलने वाला, चाटने वाला और चूसने वाला, इसका स्वाद, इसकी प्रक्रिया स्वयं में हूँ। परमात्मा के रूप में कृष्ण सभी क्रियाकलापों को प्रारंभ करते हैं। कैसे, मैं सभी के हृदय में आसीन हूँ, मुझमें ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, मतलब व्यास देव के रूप में मैं ही हूँ, कृष्ण द्वापायन व्यास के रूप में हूँ, मैं वेदों का ज्ञाता भी हूँ। क्योंकि जो भगवान ने बनाया है, जिस चीज़ को भगवान बनाते हैं उसके बारे में सर्वोत्तम वही जान सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को वही जानते हैं, और अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो उसकी बुद्धि भी भगवान ही प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा कोई प्रदान नहीं कर सकता। तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है, इसको समझने की प्रक्रिया भी भगवान ही बताते हैं, और इसमें शक्ति भी भगवान देते हैं, बल भी भगवान देते हैं, और इसका हमें एम्पावरमेंट करते हैं ताकि हम इसको समझ पाएं, है ना। हाँ, जीवात्मा अपने पुनर्जन्म का सब कुछ भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो उसके सभी कार्यों का साक्षी है, उसे अपने कार्यों को शुरू करने के लिए स्मृति की आवश्यकता ज्ञान देती है। अतः भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, वरन सभी के हृदय में स्थित रहते हैं। तो भगवान कभी कुछ नहीं भूलते, क्योंकि भगवान ने ही इस सृष्टि का आरंभ किया है, और कभी किसी चीज़ को नहीं भूलते और सबके हृदय में रहते हैं। वे ही वेदों के उद्देश्य हैं, या निष्कर्ष देकर कृष्ण वेदांत के सार को 3 श्लोकों में बताएंगे, उसका परम स्थिति और अंतिम रूप में स्थित कैसे होते हैं। तो यहाँ पर भगवान अब आगे 3 श्लोकों में चर्चा करेंगे, इस बारे में निष्कर्ष देंगे भगवान। अब यहाँ पर बता रहे हैं वेदों और वेदांतों का सारांश क्या है। तो ये जो हम वेद पढ़ते हैं, इनका सारांश क्या है, क्या अर्थ है इन वेदों को पढ़ने का,
तो यहाँ पर बताया है दो प्रकार की जीवात्मा होती है, शर और अक्षर। दो प्रकार की जीवात्मा है, शर और अक्षर। यहाँ जीव को दो प्रकार में बांटा गया है, शर जो च्युत मतलब जो अपने मूल स्वभाव से भटकता है, जो मूल स्वभाव से भौतिक जगत में भटक जाता है। अक्षर मतलब अच्युत, जो भटकते नहीं है। अक्षर कौन है? जो भटकता नहीं है। और शर कौन है? जो भटक जाता है, ठीक है। और भौतिक जगत में सभी जीवात्मा च्युत हैं। तो इस भौतिक जगत में क्या होता है? सब भटकने वाले हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भटके ना। आध्यात्मिक जगत में सभी जीवात्माएं अच्युत हैं, ना भटकने वाली हैं। तो कितना अंतर है? यहाँ पर हम भटक जाते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में भोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और आध्यात्मिक जगत में चीज़ें होते हुए भी भगवान को संतुष्ट रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए हम नहीं भटकते। आगे बताते हैं, परमात्मा शर और अक्षर से परे हैं। अब भगवान क्या है? इन दोनों चीज़ों से ऊपर हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ एक महानतम व्यक्ति है जिन्हें परमात्मा कहते हैं। महानतम व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने तीन लोकों में प्रवेश किया है। ये अविनाशी भगवान इस तरह जगत का पालन करते हैं। तो भगवान इन सब में प्रविष्ट भी रहते हैं, इन जगत का पालन भी करते हैं, मगर इस जगत से पूरी तरह से अलग हैं। अब यहाँ पर बद्ध मतलब शर और मुक्त मतलब अश्वर। जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में उसको क्या कहा गया है? शर। और अक्षर किसे कहा गया है? जो आध्यात्मिक जगत में मुक्त आत्मा है उनको अक्षर कहा गया है। ब्रह्मांड को आश्रय तथा संरक्षण देने की पहली बद्ध जीव को सूचित नहीं कर सकती, क्योंकि वह ऐसे कार्य नहीं कर सकता। वह मुक्त जीव को सूचित नहीं कर सकती क्योंकि वह इस जगत के क्रियाकलापों से दूर रहता है। तीसरा, यह केवल परमेश्वर के ही सूचित कर सकती है। ना तो बद्ध जीव और ना ही मुक्त जीव कोई भी परमेश्वर से श्रेष्ठ नहीं है। आगे बताया जाता है योगियों के उपासक परमात्मा के बारे में बताने के उपरांत कृष्ण अब भक्तों के उपास्य भगवान के बारे में बताएंगे। अब भगवान ये बताएंगे वो श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा है, है ना। तो आगे चर्चा होती है परमेश्वर श्री कृष्ण के बारे में। चूंकि मैं शर और अशर दोनों से परे तथा श्रेष्ठ हूँ, और क्योंकि मैं महानतम हूँ, मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान किस में है? वेदों में। कौन है? परम पुरुष कृष्ण। अब व्यक्ति की स्थिति और मनोवृत्ति के बारे में बताएंगे, जिसमें पिछले तीन श्लोकों में वे सार विशेषकर कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्सार किया है, कि भगवान ने बताया है इन सारी सृष्टियों में मैं रहता हूँ, ना मैं शर हूँ ना मैं अक्षर हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ। वेदांतों को समझने का भी बल मैं प्रदान करता हूँ, क्योंकि इस वेदांत को देने का ज्ञाता मैं हूँ और विद्यमान हूँ। और क्या बताया? मैं भक्तों के हृदय में विद्यमान रहता हूँ, है ना। अब आगे चर्चा होगी, कृष्ण को जानने का अर्थ है सब कुछ जान लेना। जो कृष्ण को जान लेता है सब कुछ जान लेता है। जैसे बहुत सुंदर एक प्रभुपाद जी की पास टाइम्स आते हैं, उसमें श्रुता कीर्ति प्रभु जो कि भगवद गीता या कोई भी पुस्तक पढ़ने में पहले रुचि नहीं लिया करते थे, तो प्रभुपाद जी ने एक बार उनसे बोला कि तुम मुझे बुक पढ़ के सुनाया करो। तो जब वो प्रभुपाद जी कुछ काम कर रहे होते थे तो वो ज़मीन पे बैठ के बुक पढ़ा करते थे। तो एक बार वो भगवद गीता लेके आए, भक्ति वो थी क्या थी, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे। भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ते हुए प्रभुपाद जी ने बोला, यू कैन रीड ओनली दिस बुक, यू विल गो बैक टू गॉड हेड, कि तुम भगवत धाम चले जाओगे केवल इस किताब को मात्र पढ़ने से। तो उनने वो किताब बड़े ध्यान से पढ़ी कि अब तो मेरा भगवत धाम निश्चित है, क्योंकि मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा हूँ। जब भक्ति रसामृत सिंधु पूरी हो गई तो एक दिन वो कृष्णा बुक लेके बैठे, तो भगवत गीता लेके बैठे। तो प्रभुपाद ने कहा, अगर तुम इस भगवत गीता को पूरी तरह समझ लोगे तो तुम गौलोक धाम जाने के वासी बन जाओगे, और अगर ये भी नहीं कर सकते केवल उसका एक श्लोक भी समझ लोगे तो तुम भगवत धाम जाने के पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाओगे। तो उन्होंने पूरी भगवत गीता बड़े ध्यान से पढ़ी। फिर एक बार समय आया, फिर वो दूसरी बुक ले आए, वो कृष्णा बुक पढ़ रहे थे।
तो कृष्णा बुक पढ़ रहे थे तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम खाली कृष्णा बुक पढ़ोगे तो तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाओगे। तो उनको डाउट हुआ, जो किताब पढ़ता हूँ भगवान के बारे में बोलते हैं कि तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाओगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस कृष्णा बुक पे लिखा है कृष्णा, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कृष्णा यू विल बैक टू गॉड, सिर्फ इतना जान लोगे तो तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रभुपाद जी ने बड़ी कला से उनको पढ़ने का आदि बना दिया। और इस प्रकार से उनको ये भी समझा दिया कि खाली कृष्ण के एक नाम से आप भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो केवल इस नाम को समझने के लिए ये सारे कार्यकलाप दिए गए हैं। ये शास्त्र अध्ययन, साधु संग, भजन क्रिया ये किस लिए है? भगवान कृष्ण के उस नाम को समझने के लिए जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको हम समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। जो कृष्ण को समझ गया इस पूरे जगत को, इस पूरे ब्रह्मांड को तुरंत ही समझ जाएगा। जो कोई मुझे यहाँ पर बताया कृष्ण का ज्ञाता सब कुछ जान लेता है। यहाँ पर जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है, वह मेरी भक्ति करता है पूर्ण रूप से ही, वे भरतपुत्र कहलाता है। ठीक है, सारांश में क्या बताया गया, इस प्रकार मैंने वेदांत शास्त्रों के इस गुहितम भाव का वर्णन किया है। जो कोई इसे समझता है इसे ज्ञान तथा साक्षात्कार प्राप्त होंगे और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति इसको समझेगा इस ज्ञान को उसके प्रयास जो हैं 100% कन्फर्म है कि पूर्ण हो जाएंगे। अगर अमित प्रभु भगवद गीता इस माध्यम से पढ़ेंगे कि इस भगवद गीता के पढ़ने के आखिरी श्लोक में मैं भगवत धाम का वासी बन जाऊंगा, कन्फर्मेशन हो जाएगी कि भगवान अपना कृष्ण प्रेम मुझे ज़रूर देंगे, तो उनको 100% पास होंगे। अगर कमल प्रभु पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु और पढ़ने के बाद बोलेंगे भगवान ने कहा है, और रूप गोस्वामी जी हमारे आचार्य कह रहे हैं, वो भगवत धाम का वासी बन जाता है, उनको भगवत धाम अवश्य मिलेगा। और पूजा माता जी अगर पढ़ रही हैं श्रीमद् भागवतम और उसमें दिया है कि भगवान श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करता है शरणागति देता है वो भगवत धाम जाने का वासी बन जाता है, तो आप जाएंगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को पूर्ण तरीके से शरणागति दे और भगवान उसको पूर्ण तरीके से पूरा ना करे। मगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही होना चाहिए जितना कॉन्फिडेंस लेवल भगवान ने हमारे लिए दिखाया। इस अध्याय में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस अध्याय में हम यह सीखते हैं कि वह व्यक्ति जो बद्ध और मुक्त जीवों से भिन्न है और जो इस दोनों में श्रेष्ठ है तथा इसका आश्रय है वो परमेश्वर कृष्ण है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस अध्याय में सीख क्या मिलती है, व्यक्ति जो बद्ध है मुक्त है जीवों में भिन्न है और जो इस दोनों में श्रेष्ठ है वही भगवान श्री कृष्ण। बद्ध मतलब भौतिक जगत की जीवात्माएं, मुक्त मतलब आध्यात्मिक जगत की जीवात्माएं, मगर भगवान इनसे भी ऊपर हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए वो भगवान कृष्ण जो हमको सब कुछ प्रदान कर। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।